और आठ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। आठ कारण सुन लीजिए, आठ कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। दोस्तों जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों ये आठ कारण हैं जिस कारण आपके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तो इन कार्यों पर आप लोगों को अभी से ही रोक लगा देना है, नहीं तो आप लोग कंगाल के कंगाल ही बने रहेंगे। तो इन आठ कारणों से आपके घर पर माँ लक्ष्मी नहीं रुकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वो कार्य कौन से हैं, आठ कार्य जिनको करने से माँ लक्ष्मी आपके घर पर आ जाएंगी और आप बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएंगे। तो दोस्तों हमारा पहला कारण है, जिस घर में माता पिता और साधु संतों का अपमान किया जाता है, रिश्तेदारों का अपमान किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। अगर पैसा कुछ क्षणों के लिए आ भी जाएगा तो कुछ एक ही झटके में आपका सारा पैसा कर्ज में डूब जाएगा। तो कभी भी अपने घर पर माता पिता या फिर अतिथि यानी के मेहमान और साधु संत का अपमान अपने घर पर ना करें। और दोस्तों हमारा दूसरा कारण है, अत्यधिक क्रोधी के घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। जिस घर में लड़ाई झगड़ा या फिर लोग जो है गुस्से में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो उस घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तो क्रोध पर कंट्रोल करना सीखें। दोस्तों हमारा तीसरा कारण है, जो घर में जो है जूठे बर्तनों को रसोई घर में ले जाया जाता है और यत्र तत्र फैला दिया जाता है और तुरंत साफ नहीं किया जाता है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। और दोस्तों हमारा चौथा कारण है, जिस कारण हमारे घर पे माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं, जो व्यक्ति अपने घर में उत्तर की दिशा में कूड़ा करकट को रखता है और कूड़ेदान बनाया है और उत्तर की दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तो उत्तर की दिशा में आप लोग झाड़ू ना ही रखें और ना ही उत्तर की दिशा में कूड़ा को रखें, इससे माता लक्ष्मी बहुत ही नाराज हो जाती हैं। दोस्तों हमारा पांचवा कारण है, जो माताएं अथवा पुरुष जो है सूर्य अस्त के बाद जो है उठते हैं और सूर्य अस्त के बाद जो है भोजन करते हैं और फिर जो है अपना काम करके फिर से लेट जाते हैं, तो उस घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। तो सूर्य अस्त के बाद कोई भी झाड़ू ना लगाए और जो है खाना भोजन ना करे। दोस्तों हमारा जो छठा कारण है, जो व्यक्ति केवल माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और नारायण नाम का पाठ नहीं लेते हैं और नारायण जी का पाठ नहीं करते हैं, सिर्फ माता लक्ष्मी को ही खुश करना चाहते हैं, उस घर पर माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। दोस्तों हमारा सातवां कारण है, जिस घर पर माताएं बहनें आटा को गूंथ कर फ्रीज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं बहनें ऐसा करती हैं उनके घर पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। तो आटे को तुरंत गूंथ कर तुरंत ही खाने में बनाकर परोसती तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर खुश रहती हैं। दोस्तों हमारा आठवां कारण है, जिस घर में शाम के समय पड़ोसी को या फिर मित्र को कभी भी कोई नमक का टुकड़ा दे देता है और थोड़ा सा भी नमक दे देता है, तो उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज हो जाती हैं। तो शाम